हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले के रिफाइनरी में ऑक्सीजन के 3 प्लांट बंद। राजस्थान सहित पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की जान जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के बाड़मेर जिले के रिफाइनरी में 3 ऑक्सीजन के प्लांट इस समय बंद पड़े हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट में लिक्विड ना होने की वजह से 3 प्लांट बंद पड़े हैं। ऐसे में सरकार इन प्लांटों को लिक्विड उपलब्ध करवा दे तो इनमें इतनी क्षमता है कि राजस्थान के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी पूरे तरीके से खत्म हो सकती है। लिक्विड के लिए बाड़मेर के जिला प्रशासन ने राजस्थान की गहलोत सरकार को खत लिखकर लिक्विड देने की मांग की है। कलेक्टर मोहनदान रत्नू ने बताया कि ये बात सही है कि रिफाइनरी क्षेत्र में ऑक्सीजन के 3 बड़े प्लांट हैं, जो कि कमर्शियल उपयोग के लिए आते हैं, इस समय लिक्विड ना होने की वजह से बंद पड़े हैं। इन प्लांटों में पहले लिक्विड गुजरात से आया करता था, लेकिन अब गुजरात सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके चलते बंद पड़े हैं। ये बात सही है कि इतने बड़े प्लांट हैं कि अगर सरकार लिक्विड करवा दे तो राजस्थान के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी दूर हो सकती है। इसके लिए शुक्रवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की है, जिसमें ये आश्वासन भी दिया गया है कि जल लिक्विड का एक टैंकर बाड़मेर को दिया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन जनरेट की जाएगी। हमने इसके लिए राजस्थान सरकार को खत भी लिखा है। रिफाइनरी क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट के मालिक रमेश जांगिर बताते हैं कि 20 टन का मेरा प्लांट है, जो कि कमर्शियल उपयोग के लिए आता है, लेकिन इस समय लिक्विड नहीं होने की वजह से बंद पड़ा है। अगर सरकार लिक्विड दे तो हम पूरे तरह से आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन बना सकते हैं। इन प्लांटों की इतनी क्षमता है कि अगर ये 3 प्लांट शुरू हो जाएं तो राजस्थान के कई जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।